जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और शारदीय नवरात्रों का आज पहला नवरात्र है। तो पहले नवरात्रे पर हम पहुंच चुके हैं सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान श्री चीची देवी मंदिर में, और यहां पर पहले नवरात्रे के उपलक्ष्य पर तमाम श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं माता रानी के दरबार में, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए सुबह से अगर देखें तो यहां पर काफी लंबी कतारें जो है वो भक्तों की देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन जो है वो गुजर रहा है वैसे वैसे श्रद्धालु जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, पहले नवरात्रे पर चीची माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं सबसे पहले अब आगे से जाकर आपको दर्शन कराऊंगा चीची माता जी के, ताकि आप सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन जिस तरह से शारदीय नवरात्रे हो या कोई भी त्यौहार हो, हमने कोशिश की है कि आपको माता रानी के दर्शन जरूर कराएं। तो आज जिस तरह से पहला नवरात्र है, तो आप पहले नवरात्र पर देख सकते हैं कि भव्य दर्शन चीची माता जी के, और उसी के साथ साथ भव्य जो फूलों से सजावट माता रानी के भवन में दरबार में की गई है वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और जिस तरह से हमने कल भी यहां से आपको अपडेट किया था, माता रानी के दर्शन भी कराए थे और हमने बताया था कि शुभ मुहूर्त क्या है साख माता बीजने का, तो वो शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 बजे तक का, 5:45 बजे का था और उसके बाद पूरे दिन ये मुहूर्त रहेगा। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको जो बता रहे हैं चीची माता जी के मंदिर से भव्य तस्वीरें पहले नवरात्रे पर, शारदीय नवरात्रों का आज पहला दिन है, तो आप दर्शन करें, पुण्य के भागी बने और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं यही कहूंगा कि सभी माता रानी के भक्त जो है वो इन शारदीय नवरात्रों में हर दिन माता रानी के दरबार में आके हाजिरी जरूर लगाएं। तो यहाँ के पंडित जी हैं उनसे भी एक संदेश लेंगे, लेकिन कुछ ही देर पहले यहाँ पर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई है। DC सांबा राजेश शर्मा जी की तरफ से तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे और यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके सदस्य भी यहाँ पर उस पूजा में शामिल हुए और विधिवत तरीके से पूजा कराई गई है। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं काफी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, लंगर की व्यवस्था है, इसी के साथ साथ मेला यहाँ पर जो हर वर्ष की तरह हर नवरात्रों में जिस तरह से लगाया जाता है वो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ हमें देखने को मिल रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर भक्तों की जो कतार है वो भी लंबी होती नजर आ रही है, जो पहले नवरात्रे पर आज यहाँ पर चीची माता जी के दर्शनों के लिए माता रानी के भवन में पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें यहाँ से दिखाने की कोशिश करें, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा। और मैं सबसे ये भी अपील करूंगा कि जो भी श्रद्धालु अभी तक मंदिरों में नहीं पहुंचे हैं तो वो भी माता रानी के दरबार में पहुंचे माता रानी के दर्शनों के लिए और आशीर्वाद माता रानी का प्राप्त करें। ये जो सुंदर तस्वीर मैं आज आपको पहले नवरात्रे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ माता रानी के भवन से, ये तस्वीर कुछ खास है और तमाम वो लोग जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाते माता रानी के भक्त, तो उनको भी हम घर बैठ के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं आज पहले नवरात्रे पर। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं माता रानी के भवन की, सुंदर तस्वीर आपके सामने है, भव्य सजावट यहाँ पर की गई है और यहाँ पर श्रद्धालु लगातार माता रानी के मंदिर में पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर माता रानी के भवन में पहुंच रहे हैं। देखिए दूर दूर से श्रद्धालु आज यहाँ पर माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं, लगातार जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है मंदिर में वो लगातार जारी है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु माथा टेक चुके हैं वो यहाँ पर बैठकर माता रानी की जो महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं माता रानी का। और यहाँ आप छोटे छोटे बच्चे तमाम देखिए जो लोग हैं माता रानी के भवन में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने है, खूबसूरत माता रानी के भवन की तस्वीर है। यहाँ पर अगर बात करें तो सिक्योरिटी के भी इंतज़ाम काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से सुबह जब यहाँ पर पूजा की गई है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से या मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, तो यहाँ पर जो है कोई श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ता दिखाई दिया। और वैसे वैसे जिस तरह से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं तो दर्शनों के लिए तमाम श्रद्धालु जो हैं वो माता रानी के भवन में पहुँच रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से आगे से आपको दर्शन कराऊँगा। तो पुजारी जी से बात करते हैं, कुछ श्रद्धालु हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका पहले नवरात्रे पर संदेश तमाम श्रद्धालुओं को रहेगा। तो पंडित जी आज पहले नवरात्रा है, शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई है, तो आपको शुभकामनाएं हैं, क्या कहेंगे, कितना अच्छा लगता है जब माता रानी की पूजा विधिवत तरीके से करने का मौका मिलता है और साल में 2 नवरात्रे आते हैं, तो आज से शारदीय नवरात्रे आए हैं, क्या कहेंगे, भक्तों को क्या संदेश रहेगा? जय ऋषि देवी दी। सर सबसे पहले शारदीय नवरात्रि की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, जो अश्वनी के जो शारदीय नवरात्रे शुरू हुए हैं आज से शुरू हुए हैं उसके हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तों को। और सर संदेश यह रहेगा
देखिए जब से सुबह यहाँ मंदिर खुला हुआ है, 4:30 बजे सुबह मंदिर खुला था, 5 बजे जहाँ पे आरती हुई थी, उसके बाद लगातार जहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और माता रानी के आगे अपनी जो भी मनोकामना कर रहे हैं, माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करे और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। पंडित जी एक चीज और भी जानूंगा कि क्या कुछ विधियां रहती हैं पूजा की इन नवरात्रों की बात करें। सर देखिए विधि तो यही है, सबसे सुबह उठ के सबसे पहले जैसे सभी लोग स्नान करते हैं, उसके बाद अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपनी विधि जो भी अलग अलग से जैसे विधि होती है ऐसे पूजा करें और माता रानी चरणों में हाजिरी लगाएं। बिल्कुल विधिवत तरीके से पूजा करें, माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाएं। तमाम यहां पर श्रद्धालु आप देख रहे हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ श्रद्धालु जो यहां पर माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं उनका भी क्या संदेश रहता है इन शारदीय नवरात्रों पर। तो यहां पर तमाम जो भक्त हैं वहां यहां पहुंचे हुए, आपका नाम जानना। मेरा नाम जानू चोपड़ा है। क्या कहेंगे आज आप पहले नवरात्रि में माता रानी के दरबार में, कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है जब माता रानी के दर्शन करने के लिए? माता रानी के दरबार में आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और हम खुश नसीब हैं कि हमारा घर माता रानी के पास ही है। बाहर से जो यात्री आते हैं वो उनको मतलब माता रानी अपने चरणों में शरण देती है। हम खुश नसीब हैं कि हम सबसे पास रहते हैं और हम हर नवरात्रे यहाँ पे दर्शन करने आते हैं माता रानी के दरबार में आके। यहाँ थोड़ी देर बैठ के बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है और मैं भी ये चाहती हूँ कि जहाँ तक मेरी जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझे सुन सकते हैं, तो मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप भी आएं, माता रानी के दर्शन पाएं और अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। जय माता दी। लेकिन आपने साख माता भी बीजी है घर ऊपर, तो कितना अच्छा लगता है जब माता रानी 2 से 3 दिनों के बाद अपने दर्शन भी देते हैं, तो वो एक जो समय है बड़ा ही खूबसूरत समय। देखो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे पे माता रानी की कृपा है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो उसमें 2 से 3 दिन नहीं लगते। मैं तो ये कहती हूँ कि आज शाम या कल सुबह तक हो जाएगा, तो बस यही मेरा बोलना है। यानी सच्चे मन से अगर विधिवत तरीके से पूजा करें तो माता रानी किसी ना किसी रूप में दर्शन देती है। माता रानी हर रूप में दर्शन देती है, अगर बंदे का मन साफ हो, बंदे का दिल साफ हो तो सब कुछ मिलता है। सच्चे दिल से मांगो, सब कुछ मिलता है। तो क्या आपका संदेश रहेगा तमाम सनातनी को, तमाम भक्तों को, माता रानी के जो भक्त आज से मंदिरों में पहुंच रहे हैं, नवरात्रों पर विधिवत तरीके से पूजा कर रहे हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी बंदे दर्शन करते हैं, यहाँ पे आते हैं, जो भी माता वगैरह लगाते हैं, अपने घरों में पूजा करते हैं, सच्चे मन से करो, सच्चे दिल से करो, सब कुछ मिलेगा। माता रानी बहुत ही ज्यादा अपने भक्तों पे प्रसन्न होती हैं। माता रानी सभी अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होती है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो उत्साह श्रद्धालुओं के अंदर है वो श्रद्धालु अपनी जुबानी बता रहे हैं। और इसी तरह से मैं यही कहूंगा कि हर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर माता रानी के दरबार में पहुंचे, माथा टेके, पुण्य के भागी बने और आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ और श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आप यहाँ पर आइए, भाई साहब यहाँ पर आए, क्या कहेंगे आज आप माता रानी के दरबार में माथा टेकने के लिए आए? माता रानी की कृपा रखे सभी पर रखे और कृपा बैठा है। आज नवरात्र का पहला दिन है और माता रानी की कृपा करे, सभी करे। कितना अच्छा लगता है जब आपको यहाँ मंदिर में आने का मौका? बहुत अच्छा लगता है, माता रानी की कृपा करती है तो बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? देवांश। बोलो, जय करने आया ना मंदिर में? बोलो। हाँ चलिए, बच्ची भी शर्मा रही है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ खास है जो मैं आपको मंदिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उत्साह के साथ यहाँ मंदिर में पहुँच रहे हैं, माता रानी के दरबार में आके माथा टेक रहे हैं। तो श्रद्धालु कोशिश करूँगा कि अगर वो खुद ही हमसे बात करें, एक संदेश माता रानी के नाम से ज़रूर दें, मैं यही उम्मीद करूँगा। लेकिन आप तस्वीरें लगातार देखें, यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो माथा टेक रहे हैं। एक बार फिर से मैं जाते जाते तस्वीर आपको बताने की कोशिश करूँगा। कुछ श्रद्धालु और भी हैं जो यहाँ से संदेश देने की कृपा करेंगे। जी आंटी, क्या नाम है? जी मैं कमला देवी है और माता की भक्त हूँ और मंदिर बनाया मैंने अपने बड़ियाल में। अच्छा, तो उसके लिए थोड़ा सेवा सुबह भी चाहिए मुझे और बड़ी शक्ति। आप यहाँ पर आए मंदिर में आए, कितना अच्छा लगता? बहुत अच्छा लगता है, इतनी होती है जो कि शक्ति ऐसे प्राप्त होती है, खुद अपने आप लेके आती है और बहुत अच्छा है और सारा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल यहाँ पर अच्छा लग रहा है, तमाम जो यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो देखिए तमाम जो यहाँ लड़के भी पहुँचे हुए उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये तमाम जो युवा है यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे आप माता रानी के दरबार में माथा टेकने आए, कितना अच्छा लगे? बहुत अच्छा लगता है हमें। पहला नवरात्र है, क्या आपका मैसेज रहेगा?
यही लोगों को यही है कि मदद से ज़्यादा लोग हमारे माता में मंदिर में आए और माथा टेके, बहुत अच्छे। क्या रहेगा युवा होने के नाते संदेश आपका? सभी आए और बढ़ावा दें। क्या आपने मन्नत मांगी है माता सफली करे? हाँ जी बिल्कुल, ये युवाओं की कोशिश होती है कि युवा जो कि देश का भविष्य है, वो भी ये चाहते हैं कि हम भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद तमाम युवाओं के ऊपर बना रहे। इसी मंशा से यहाँ पर युवा जो है वो माथा टेकने के पहुंचे हैं। देखिए, मैं जैसे कह रहा हूँ आपको कि माता रानी जो है वो अपने भक्तों को यहाँ मंदिर में बुला ही लेती है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर में पहुँच रहे हैं माथा टेकने के लिए। और कुछ जो श्रद्धालु आए हैं उनसे हम आखिर में जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे जो श्रद्धालु आज नवरात्रि के ऊपर क्या संदेश जो वो देना चाहते हैं। अंजू, आप यहाँ माथा टेकने आए हैं चिची माता मंदिर में पहले नवरात्रि पर, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मन को सुकून मिलता है कि आज दर्शन करने का मौका? सर, हमारे जो ठहरे हैं, तो मैं शादी के बाद पहली बार आई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज नवरात्रि पर ब्लेस्ड समझ रहे हैं। तो आपने माता रानी साख माता भी बीजी है घर पे, तो कितना अच्छा लगता है जब इस कार्य करने को? हम माता से माथा टेक के फिर बीजेंगे घर में जाकर। पहले सबसे पहले माता के दर्शन, चलिए सबसे पहले माता के दर्शन, उसके बाकी काम जो है वो बाद में। ये होता है उत्साह श्रद्धालुओं के अंदर। तो जाते जाते फिर मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा दर्शन कराने की, एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी लगातार पहुँच रहे हैं, तो उनसे भी हम संदेश लेने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर SSP सांबा विनय कुमार जी जो है वो अपने परिवार सहित यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचे हुए हैं, तो उनसे भी हम एक संदेश जो है वो नवरात्रों पर लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आप यहां देख रहे हैं कि SSP सांबा विनय कुमार जी भी पहुंचे हुए हैं दर्शनों के लिए। तो ये तस्वीर मैं आपको स्टिल दिखाना चाहता हूं जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं माथा टेकने के लिए। तो ये कतार एक बार फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे श्रद्धालुओं की कतार यहाँ पर बढ़ रही है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं माता रानी के दरबार में आकर माथा टेक रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। चलिए मैं SSP साहब से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि उनका नवरात्रों के ऊपर क्या संदेश रहेगा, क्योंकि हमारे साथ SSP साहब भी जुड़ जाएंगे। सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शारदीय नवरात्रों की। माता रानी के दरबार में माथा टेका आपने, क्या कहेंगे आज के इस खास दिन पर? शशि जी, सबसे पहले तो नवरात्र के उपलक्ष्य पर सबको शुभकामनाएं, पूरे सांबा जिला को, आपको खासतौर पर, आपके माध्यम से सभी देखने वाले सभी लोगों को, उनके परिवारों को सुख शांति और समृद्धि दे माता रानी। हमारे 9 दिनों का बड़ा शुभ पर्व शुरू हो रहा है, जिसमें हमारे 9 रूप माता रानी जी के, उनके दर्शन जो है आप रोज यहाँ के कर सकते हैं। मैं अभी इस उपलक्ष्य में चिची माता रानी के चरणों में अपना शीश झुकाने आया था और पूरे सांबा के लिए सुख शांति और समृद्धि की मनोकामना की है। लेकिन कितना सुकून मिलता है जब आप माथा टेकने के लिए पहुँचते हैं? बहुत सुकून मिलता है और ऐसे लगता है जैसे अपनी माँ की गोद में थोड़ी देर फिर से बैठने का, खेलने का समय मिला है। सबकी रक्षा करती है हमारी माता रानी, पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि का संचालन यही करते हैं। और हमें जो इस बार, इस समय जो भी हमें जिम्मेवारी दी हुई है, हम माता रानी से यही मनोकामना करेंगे, यही एक्सपेक्ट करेंगे कि माता रानी हमें शक्ति दे, हमें सद्बुद्धि दे, अच्छे कामों में पूरा सामर्थ्य हम अपना लगा सकें, अपना यथाशक्ति जो भी हमारा तन मन धन से हम समर्पित रहें सांबा जिला की जनता की सेवा के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ SSP सांबा विनय कुमार जी, जिनका एक संदेश रहा है तमाम सांबा के लोगों को शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य पर। उन्होंने संदेश दिया कि सबको भाईचारे के साथ, आपसी प्रेम भाव के साथ रहना है और सांबा की जनता की सेवा हम ऐसे ही करते रहें, यही जो मन्नत जरूर SSP साहब ने मांगी होगी। तो मैं आगे से तस्वीरें एक बार फिर से आपको
बताने की कोशिश करूंगा। और जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं उनके अंदर एक उत्साह जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है जो यहां पर माथा टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो जाते जाते एक बार फिर से मैं आखिर में आपको दर्शन यहां से ज़रूर कराने की कोशिश करूंगा। तो मैं अपने सहयोगी को बोलूँ कि यहाँ से एक बार फिर से दर्शन कराएं और उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और ये दर्शन यहाँ से एक बार फिर से आप कर सकते हैं चिची माता जी के आज पहले नवरात्रे पर। तस्वीर है और भव्य सजावट यहाँ पर मंदिर में आज की गई है। तो ये उत्साह है तमाम श्रद्धालुओं के अंदर जो आज पहले नवरात्रे पर हमें देखने को मिल रहा है। और श्रद्धालु जो है यहाँ माथा टेकने के लिए आज लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक ही मकसद है कि माता रानी के जो दर्शन हैं वो किए जाएं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने कार्यों की शुरुआत की जाए, माता रानी के दर्शन करें, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यही हम भी माता रानी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और सबको सुख समृद्धि का एहसास कराना। देखिए जब आप माता रानी के मंदिर में आते हैं आपको पॉजिटिविटी मिलती है, नेगेटिविटी दूर होती है, यानी आपकी सकारात्मकता जो है वो बढ़ जाती है। यही उद्देश्य से हम आज आपको पहले नवरात्रे पर शरद नवरात्रों का पहला नवरात्रा है और अब 9 दिन लगातार माता रानी के भवन में रौनक देखने को मिलेगी। 9 दिन लगातार माता रानी के भवन में जो है वो जयकारे गूंजते रहेंगे, माता रानी के दर्शन सभी को होते रहें, माता रानी का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे, यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। तो ये है खूबसूरत तस्वीर माता रानी के भवन की। यहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ माथा टेकने के लिए पहुँच रहे हैं पहले नवरात्रि के उपलक्ष्य पर। तो सभी को एक बार फिर से शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आप लोग मंदिर में थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर आएं माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो इन 9 नवरात्रों में आप बढ़ चढ़कर माता रानी का गुणगान करें, माता रानी आपको किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देंगे अगर आप सच्चे मन से माता रानी को याद करते हैं। सभी को जय माता दी।